Uh, कुछ चीज को लिखना छोटे स्तर पर वह कहलाता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन शॉर्ट यानी छोटा इस शॉर्ट कॉम्पोजिशन में एडवरटाइजमेंट नोटिस एंड लेटर्स एडवरटाइजमेंट्स नोटिस एंड लेटर्स ये तीनों अलग अलग विधाएं हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट कॉम्पोजिशन दे आर ऑल शॉर्ट कॉम्पोजिशन but are different types you know what is advertisement you also have heard notice and letters nothing is new for you but what you need to know is how to properly prepare advertisement how to properly prepare notices and also letters writing letters एडवरटाइजमेंट अलग अलग पर्पज से होते हैं एंड सेम इज़ द केस विध नोटिस एंड ऑल्सो लेटर्स तो वी विल स्टडी वन बाई वन टू स्टार्ट विथ एडवरटाइजमेंट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी टेल यू आई वॉन्ट बी डूइंग टू मैनी एग्जाम्पल्स अंडर ईच कैटेगरी मैं हर तीनों कैटेगरी जो है एडवरटाइजमेंट नोटिस और लेटर इसमें बहुत सारे उदाहरण मैं नहीं दूंगा लेकिन एक दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों की बॉडी कैसी होती है इन चीज़ों की रूपरेखा कैसी होती है किसके बाद क्या आता है वॉट फॉलोज आफ्टर वॉट तो वी विल लर्न इन दिस थ्रू दिस वीडियो अबाउट द आर्ट ऑफ डूइंग ऑल दिस एंड द डिटेल्स यू कैन प्रैक्टिस थ्रू योर बुक्स थ्रू योर कोर्स बुक्स एंड थ्रू अदर रेफरेंस बुक्स फॉर टू स्टार्ट विथ एडवरटाइजमेंट विज्ञापन विज्ञापन आपने बहुत देखोगे बहुत तरीके के विज्ञापन टी वी में हैं न्यूज़ में प्रिंट मीडिया में आ, सोशल मीडिया के बीच में भी एडवरटाइजमेंट्स आते हैं यूट्यूब में भी एडवरटाइजमेंट हैं एडवरटाइजमेंट का होर्डिंग्स हैं बड़े बड़े उसके साथ ही मौखिक एडवरटाइजमेंट भी हैं रिक्शों में ऑटो में गाड़ियों में चलते हुए कोई कुछ बोलते रहते हैं सो एडवरटाइजमेंट आर ऑफ मैनी टाइप्स पहली बात तो ये जाने इसके बहुत से प्रकार हैं और इतने सारे प्रकारों पर विज्ञापन होना ये साबित करता है दैट एडवरटाइजमेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल मनुष्यों को व्यक्तियों को प्रभावित करने का व्यक्तियों में प्रभाव डालने का एडवर्टाइजमेंट एक बहुत सक्षम बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी एक चीज़ के बारे में मुझे यदि प्रचारित करना है तो मैं उसको एडवर्टाइज करूँगा और उस एडवर्टाइज करने के पीछे मकसद ये रहता है कि हज़ारों लोग लाखों लोग उसको पढ़ें उसको देखें उसको सुने और उसके बाद उससे और बार बार सुने तो बार बार सुनने से उससे प्रभावित होंगे और फिर जिस चीज़ का मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ जिस चीज़ का मैं विज्ञापन कर रहा हूँ उसके बारे में फिर वे तय करेंगे कि क्या करना है इस चीज़ को खरीदना है नहीं खरीदना है यदि इवेंट है तो जाना है नहीं जाना आदि आदि सो एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल इट अफेक्ट्स आवर माइंड एंड ऑल्सो आवर मोटिव हमारा जो उद्देश्य रहता है उसको भी प्रभावित करता है आगे इस पर हम और जानेंगे लेकिन द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ टू रीच मैक्सिमम पीपल एडवर्टाइजमेंट का जो लक्ष्य रहता है वह अधिकतम लोगों तक पहुंचना न्यूनतम खर्च पे। यदि मैं एक न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देता हूँ मुझे सेल्समैन की आवश्यकता है तो एक छोटे से विज्ञापन में जिसमें मैंने लिखा है सेल्स की आवश्यकता है और मैंने अपना पता और फ़ोन नंबर दे दिया तो जितने लोगों को वो न्यूज़पेपर जा रहा है उतने लोग उसको पढ़ रहे हैं या जिनको नौकरी की ज़रूरत है वो लोग देख रहे हैं और फिर वो मुझे संपर्क करेंगे ऐसे ही टी के नीचे टेलीविज़न में न्यूज़ के नीचे स्क्रॉल करते हुए एडवर्टाइजमेंट आते हैं स्क्रॉल करता चलता हुआ एडवर्टाइजमेंट आता है उसी प्रकार टी के अलावा प्रिंट मीडिया है ब्रोशर्स हैं पैम्फलेट्स हैं और फ्लैक्स हैं बड़े बड़े फ्लैक्स बड़े बड़े होर्डिंग आप देखोगे दुकानों के ऊपर लगे रहते हैं और उसमें बहुत तेज़ लाइट रहती है कुछ ऐसा रहता है जिससे कि आपका ध्यान खींचे तो दूसरे शब्दों में एडवरटाइजमेंट इज़ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड देयर मोटिव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड न्यूज़पेपर मैगजीन्स वॉल राइटिंग होर्डिंग्स फ्लेक्सेस एंड टी वी सोशल मीडिया दे आर ऑल डिफरेंट मीन्स ऑफ एडवरटाइजिंग अलग अलग माध्यम है विज्ञापन के मोटे तौर पर एडवरटाइजमेंट के दो प्रकार होते हैं एक तो क्लासिफाइड और दूसरा डिस्प्ले हमें डिस्प्ले एडवरटाइजमेंट पर विशेष ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमको जो हमारे जो कोर्स में है वो बेसिकली क्लासिफाइड एडवरटाइजमेंट जैसा शब्द बताता है क्लासिफाइड एडवरटाइजमेंट क्लासिफाइड का अर्थ क्या होता है किसी विशेष चीज के लिए विज्ञापन किसी विशेष जगह के लिए विज्ञापन ये विशेष चीज विशेष जगह क्या है तो क्लासिफाइड विज्ञापन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं फीचर्स क्या है किसे कहते हैं क्लासिफाइड एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात तो इसमें मुश्किल से पचास एक शब्दों का होता है दिस विज्ञापन दिस एड इज अ स्मॉल एड इट्स अ वेरी स्मॉल एड एज यू कैन सी वेरी स्मॉल एंड हैव अबाउट फिफ्टी वर्ड्स फिफ्टी मीन्स नॉट एक्जैक्टली फिफ्टी इट कैन बी थर्टी इट कैन बी फोर्टी इट कैन बी फोर्टी फाइव इट कैन बी फिफ्टी बट रफली विद इन फिफ्टी वर्ड्स द कंटेंट इज रिटर्न द सेकेंड थिंग इज इट हैज हेडिंग ये जो क्लासिफाइड एड होता है इसके ऊपर एक हेडिंग होती है एक उसका शीर्षक होता है एक बहुत शॉर्ट होता है जैसा मैंने शुरू में कहा पचास शब्दों में पूरी बात कह दी जाती है और बहुत शॉर्ट होता बहुत छोटा होता है अधिकतम एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ मतलब पांच छह लाइनों में पूरा विज्ञापन ख़त्म हो जाता है इसके अलावा इसके जो सेंटेंस भी होते हैं छोटे छोटे रहते हैं और उसमें कांटेक्ट नंबर रहेगा भाई जो विज्ञापन कर रहा है जो किसी चीज़ को प्रचारित कर रहा है वह अपना नाम पता तो लिखेगा तो उसका कांटेक्ट नंबर रहेगा और उसका पता रहेगा इसके बाद दूसरी चीज जो है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये एक बॉक्स में रहता है इट कंटेन्स इन बॉक्सेस एक बॉक्स बना रहता जिसकी बाउंड्री बनी रहती सीमाएँ बनी रहती रेखा खींची होती है या कोई डिज़ाइन होती है उसके अंदर वो रहता है ताकि वो क्लासिफाइड विज्ञापनों का जो बहुत सारा जो यहाँ पे जखीरा है सब अलग अलग दिखाई दें उस बाउंड्री के बल पर उस बाउंड्री के आधार पर जरूरत पड़ने पर क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट शॉर्ट होता है और जगह भी कम रहती है इसलिए कई बार स्टैंडर्ड एब्रीविएशन को भी ले लिया जाता है इसमें स्वीकार्य है स्टैंडर्ड फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है उदाहरण के लिए यदि मैं विज्ञापन कर रहा हूँ किसी प्रसिद्ध ब्रांड का या उदाहरण के लिए मैं यू, यू एन ओ के बारे में कुछ विज्ञापित कर रहा हूँ तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यू एन ओ पर्याप्त है जो पढ़ेगा उसे मालूम होना चाहिए कि यू एन ओ क्या है और नहीं समझ पाएगा तो उसे देखने की चेष्टा करनी हैव टू गो थ्रू इट एंड सो इन अदर वर्ड यू कैन यूज एब्रीविएशन नाउ हैविंग अंडरस्टूड वॉट इज एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज ए टूल ए वेरी पावरफुल टूल मिनिमम एक्सपेंसेस मैक्सिमम रिटर्न्स अधिकतर लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है और उसके बाद हम देखते हैं कि दो टाइप के होते हैं और टाइप के बाद फीचर्स हमने जाने कि इसकी विशेषता क्या है एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं हमने कुछ मोटी मोटी जानी और उसमें हमने क्लासिफाइड के बारे में पहले जाना इन विज्ञापनों को कहते हैं क्लासिफाइड आप यहाँ देखिए न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे एक के नीचे एक लगातार विवाह से लेके संबंध विवाह से संबंधित ऐड रहता है जिसे मैट्रीमोनियल कहते हैं एक के नीचे एक लगातार सेल्स गर्ल्स सेल्स बॉयज ऐसे एक के नीचे एक लगातार किराए पर चाहिए या किराए पर देना है या बेचना है ऐसा कुछ एक पृष्ठ पृष्ठ रहता है न्यूज़पेपर का उसमें वो दिया रहता है वो पूरा विज्ञापनों से भरा रहता है वो क्लासिफाइड ऐड कहलाते हैं अब क्लासिफाइड ऐड किस चीज़ों के रहते हैं सामान्यता उसको थोड़ा जान लें पहला तो रहता है सिचुएशन वैकेंट ये एक ऐड देख रहे हैं सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वैकेंट मतलब पद रिक्त है पद रिक्त है का जो ये विज्ञापन है इसमें जो विज्ञापन दे रहा है वह बताएगा कि कौन सा पद रिक्त है मोटी मोटी उसकी पात्रता क्या है कौन लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके साथ ही उम्र क्या है किस उम्र के लोगों की जरूरत है और उसके साथ ही यदि कुछ और खास बात है जैसे कि आ, मार्केटिंग करने वाला पद है तो लिखना घूमना होगा आदि आदि यदि और जरूरत होगी तो उसमें लिखेगा वाहन होना जरूरी ऐसी पात्रता उसमें रहती है तो दूसरे शब्दों में सिचुएशन वैकेंट के विज्ञापन में विज्ञापनदाता विज्ञापन देने वाला जगह का नाम जहां की जहां पद खाली है ही विल मैंशन द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द पोस्ट इज वेकेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लेस ही विल मिनिमम हीशंस रिक्वायर्ड क्या क्वालिफिकेशन होंगे ही विल मैंशन ए रफ काइंड ऑफ सैलरी एंड रफ सैलरी बिकॉज सैलरी इज नेगोशिएबल एड्जैक्ट तनख्वाह नहीं लिखाएगा तनखा जो है वो नगोशिएट होती है सैलरी जो है वो एक दूसरे से बातचीत होने के बाद तय होती है विज्ञापन तो पढ़ने के बाद यदि कोई कैंडिडेट जाता है तो वहाँ पर बातचीत के बाद कैंडिडेट के अनुभव के आधार पे कैंडिडेट के क्वालिफिकेशंस के आधार पे कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के आधार पे सैलरी इज़ नीगोशियबल नीगोशियबल मतलब बातचीत करके एक उचित सैलरी निकाली जाती है सो सैलरी नीगोशियबल ये लिखा रहेगा और साथ में लिख दिया रहेगा कि काम क्या है ही विल हैव टू प्लेस ऑर्डर्स फ्रॉम द मार्केट ही विल हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स ही विल हैव टू डू द ऑफिस वर्क ऐसी कुछ बात उसमें लिखी रहेगी जिससे कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाए कि ये किस तरह का पद खाली है और लास्ट उसमें वो लिखा रहेगा उसका पता उसका कांटेक्ट नंबर जिसपे कि एडवरटाइजमेंट पढ़ने वाला इच्छुक व्यक्ति कांटेक्ट कर सके तो ये एक ब्रॉड सिचुएशन वैकेंट का ऐड होता है उसके बाद दूसरा है टू लेट का ऐड टू लेट मतलब लेट हिम गो लेट हिम गो उसे जाने दो मुझे खाने दो लेट मी ईट लेट मी स्लीप यानी मुझे सोने दो मी जंप मुझे कूदने दो लेकिन यहाँ पर टू लेट का अर्थ है किराए पर देना है टू लेट मतलब किराए पर देना है याद रखेंगे टू लेट का अर्थ किराए पे लेना है नहीं होता किराए पे लेना है के लिए दूसरा विज्ञापन होता है लेकिन यहाँ किराए पर देने के लिए टू लेट अब टू लेट यदि स्पष्ट हो जाएगा हेडिंग से ये हेडिंग है इससे स्पष्ट हो गया कि यह विज्ञापन जो है क्लासिफाइड एड दिस इज़ फॉर गिविंग ए हाउस और ए शॉप और ए प्लेस ऑन रेंट फॉर गिविंग नॉट फॉर टेकिंग फॉर गिविंग ए हाउस ऑन और ए प्लेस फॉर रेंट तो टू लेट में क्या रहेगा अगेन टू लेट में रहेगा किराए पर देना है जगह का नाम रहेगा एरिया रहेगा कितना क्षेत्रफल कितना एरिया की दुकान है या मकान है कितने मंजिल का मकान या दुकान है किस क्षेत्र में है और किस पर्पस के लिए देना है यदि वह भी स्पष्ट हो जाए तो और अच्छी बात बस इतना रहेगा और अंत में फिर से प्लीज कांटेक्ट इंटरेस्टेड पर्सन मे कांटेक्ट व्यक्ति का नाम और नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर तो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ टू लेट किराए पर देने के लिए जो भी चीज़ें किराए पर दी जाती हैं उसके लिए हेडिंग होती है टू लेट जो भी चीज़ खाली पदों को भरने के लिए दी जाती है उसको कहते हैं सिचुएशन वेकेंट सिचुएशन मतलब स्थान वेकेंट यानी खाली स्थान खाली है मतलब पद खाली है स्थान मतलब जगह नहीं पद खाली है तीसरा विज्ञापन तीसरे तरह का विज्ञापन जो आप देख रहे हैं यहां पे वो है लॉस्ट एंड फाउंड देखिए उसका कंटेंट कैसा है लॉस्ट माने गुम गया और फाउंड यानी मिल गया तो या तो शीर्षक रहेगा लॉस्ट लॉस्ट क्या कई लोग अपनी चाबियां खो देते हैं कई लोग अपना बहुमूल्य पर्स खो देते हैं कई लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स उनके गुम जाते हैं बैंक के डॉक्यूमेंट्स ज़मीनों के पेपर्स और कई लोगों के पर्स गुमते हैं उसमें एटीएम कार्ड रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती कई लोगों का मोबाइल गुमता है और कई लोगों का परिवार के कुछ लोग गुम जाते हैं बिछड़ जाते हैं लॉस्ट कोई वृद्ध व्यक्ति बेचारा गुम जाता है घर से भटक जाता है कोई जो दिमाग से कमजोर है वो बेचारा घर से भटक जाता है छोटे बच्चे अपने घर से भटक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन का हेडिंग रहेगा लॉस्ट लॉस्ट ए बैग कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मोबाइल किस जगह पर गुमा है किस तारीख पर गुमा है ये भी देना जरूरी रहता है कि मैंने एक बैग खोया इस तारीख को इतने बजे के आसपास और इस स्थिति में इस जगह पर तो ये विवरण देने के बाद जिनको मिला हो वो कृपया संपर्क करें फिर अपना कांटेक्ट नंबर कुछ लोग उसमें लिखते हैं कि पर्सन विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड जो व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट वगैरह पाएगा और उसे ला कर देगा तो उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड तो ये जो भाषा होती है वो इसलिए कि किसी को आ, वो करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी वो बहुमूल्य चीज़ें जो गुम गई वो मुझे वापस मिल जाएँ कोई उसको फाड़ के या लोभ में या उसको तोड़ ताड़ के फेंक ना दे वो मेरे लिए बहुत अहम है ऐसा बताने के लिए विज्ञापन में लिखते हैं कि प्लीज़ एनी वन हु गेट्स मी दिस विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड रिवॉर्ड करना मतलब पुरस्कार देना इनाम देना तो so ये हुआ आपका तीसरा लॉस्ट और ऐसे ही फाउंड है ऊपर केवल लिखा रहेगा फाउंड तो को पढ़ने से यदि किसी ने विज्ञापन दिया है फाउंड में क्या रहेगा मैं यदि फाउंड का विज्ञापन देता हूं तो मैं लिखूंगा मुझे एक बैग इस जगह पर इतने बजे जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये बैग इस रंग का है इस साइज़ का है वह मुझे पड़ा मिला है या मुझे कुछ 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 सामान ऐसी ऐसी जगह पर पड़ा मिला है जो इसका डिस्क्रिप्शन देगा वह इस नंबर पे कांटेक्ट करे एंड सो इफ आई हैव फाउंड समथिंग मैं कैसे जानूं कि मैं किसको दूं ये किसका है पुलिस को दूंगा तो पुलिस तक चला जाएगा सामान पड़ा रहेगा तो क्या करूं? तो हो सकता है सामान बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजर में किसी के लिए तो मैं विज्ञापन करूंगा फाउंड फाउंड में द रीडर विल रीड द कंटेंट एंड विल अप्रोच मी फॉर हिज बिलोंगिंग्स अपने सामानों के लिए फिर वो मेरे पास आएगा तो फाउंड मैंने पाया लॉस्ट यानी खोया खोया हुआ सामान खोया फाउंड यानी पाया तो ये हो गया अगला तरीका अगला तरह का क्लासिफाइड विज्ञापन नेक्स्ट है सेल एंड परचेज सेल एंड परचेज खरीदी और बिक्री तो या तो विज्ञापन में लिखा रहेगा केवल सेल ऊपर हेडिंग जो शीर्षक रहेगा सेल मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी एक हेडिंग होती है पॉइंट नंबर टू मैंने कहा था कि हर विज्ञापन की एक, एक शीर्षक होता है एक हेडिंग होती है. तो हेडिंग में लिखा रहेगा सेल देखिए सेल की स्पेलिंग क्या है एस ए एल ई एस ई डबल एल और एस ए एल ई में क्या अंतर है एस ई डबल एल क्रिया है एस ई डबल एल क्रिया है मतलब बेचना बेचना एक क्रिया है टू सेल इज एन एक्शन इज एन एक्ट इट्स अ वर्ब सो इट इज अ वर्ब बट सेल मतलब बिक्री सेल माने बिक्री बेचना नहीं बेचना और बिक्री में अंतर है आज यहाँ बिक्री होगी यानी सामान बेचा जाएगा तो दोनों में अंतर है तो याद रखेंगे कि जो हेडिंग होगी सेल दुकानों में क्या लिखा रहता है सेल 50 परसेंट रिबेट सेल एस ए एल ई सेल यानी बिक्री पचास प्रतिशत कम कीमत पर तीस प्रतिशत कम कीमत पर एम आर पी से बीस प्रतिशत कम कीमत पर सेल तो सेल यानी बिक्री और उसके उल्टा परचेज यानी खरीदी यदि मुझे कुछ खरीदना है उदाहरण के लिए क्या खरीदना है जिसके लिए मैं विज्ञापन करूं कुछ बहुत बहुमूल्य पुरानी वस्तुएं मकान खरीदना है ज़मीन खरीदना है सेकंड हैंड कार खरीदनी है और उसके अलावा मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ऐसी चीज़ें जो मुझे ख़रीदनी हैं मुझे एक ज़मीन ख़रीदने की इच्छा है अब मैं कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ कैसे जानूँ कि कहाँ की जमीन खाली है और वो भी मेरी कीमत पर जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सो वट आई विल डू आई विल पुट एन एड आई विल पुट परचेज मुझे खरीदना है द अंडर साइन उसमें रहेगा कि मैं नीचे कांटेक्ट नंबर फला फला क्षेत्र में रायपुर क्षेत्र के अवंती विहार में लगभग 2000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदना चाहता हूँ वह जमीन रेसिडेंशियल परपस के लिए या कमर्शियल परपस के लिए लेना चाहता हूँ इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें

बेचने वाला सो तो इस प्रकार सेल एंड परचेज सेल की स्पेलिंग आप याद रखेंगे हम लोग बहुत गलती करते हैं सेल की स्पेलिंग में एस ए एल ई सेल और उसके बाद आता है एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट क्या रहता है किसी स्कूल के बारे में विज्ञापन देना है तो आपने विज्ञापन बहुत से देखे होंगे होर्डिंग देखे होंगे न्यूज़पेपर में देखा होगा पैम्फलेट न्यूज़पेपर के साथ बेच फेंके जाते हैं दिए जाते हैं वो देखे होंगे और न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत से विज्ञापन रहते हैं स्कूलों के बारे में उसमें बकायदा लिखा रहता है एडमिशंस ओपन फ्रॉम दिस डेट फॉर क्लासेस दिस एंड दिस इंटरेस्टेड पेरेंट्स मे कांटेक्ट एट दिस नंबर तो टाइटल क्या रहेगी उसकी एजुकेशनल सो दिस इज वॉट इज अबाउट इट तो एजुकेशनल और कमर्शियल नेक्स्ट इज जो बहुत बड़े स्तर पर स्कूलों का भी वैसे काफी बड़े स्तर पर है आप देखेंगे स्कूलों का जैसे एक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल कबीरधाम छत्तीसगढ़ इट नीड स्पोर्ट्स टीचर दो पोस्ट हैं तो क्या विज्ञापन बनेगा क्लासिफाइड तो एडवर्टीजमेंट क्योंकि छोटा विज्ञापन बनाना है जो कम खर्चीला होता है और छोटा विज्ञापन क्लासिफाइड विज्ञापन मतलब उसी पेज में रहता है जिस पेज में बाकी सब क्लासिफाइड विज्ञापन है अंदर का पेज रहता है वो तो ऐसे पेज में हम फिर निकालेंगे एक वांटेड या सिचुएशन वैकेंट ऊपर लिखा रहेगा सिचुएशन वैकेंट टू पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर इन विवेकानंदा स्कूल कबीरधाम सैलरी निगोशिएबल मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स बी पी एड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस थ्री ईयर्स बिलो द एज ऑफ थर्टी रिक्वायर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट सो एंड सो ऐसा ही कुछ उसमें रहेगा शब्द शब्दावली थोड़ी सी बदल सकती है पर समझने की चीज़ क्या है कि सिचुएशन वैकेंट का अर्थ क्या है पहली बात दूसरी बात उसमें क्या क्या चीज़ें रहना जरूरी है कितनी पोस्ट पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन क्या है तनख्वाह लगभग क्या रहेगी किस उम्र के लोगों को मेल की, फीमेल, और उसके अलावा अनुभव कुछ है या एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट में रहेगा कांटेक्ट नंबर एडवरटाइजमेंट के विभिन्न टाइप हमने यहाँ देखे और करीब छः सात टाइप के एड हमने देखे जिसमें सिचुएशन वैकेंट है इसमें वांटेड है उसके साथ ही आ, एड हमने देखा सेल का फिर परचेस का लॉस्ट एंड फाउंड का और जो अंतिम एडवर्टाइजमेंट जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था वह है मैट्रीमोनियल का मैट्रीमोनियल मतलब क्या होता है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है मैट्रीमोनियल का विवाह संबंधी विज्ञापन मैट्रीमोनियल की स्पेलिंग देखें एम ए टी आर आई मैट्रिक एम ओ एन आई ए एल मैट्रीमोनियल विवाह संबंधी विज्ञापन इस विवाह संबंधी विज्ञापन में बड़े संक्षिप्त में यदि मुझे एक वर की खोज है अपने परिवार के किसी लड़की के लिए मैं वर खोज रहा हूं तो कैसे खोजूंगा या तो जान पहचान के माध्यम से और आजकल लोग अपनी समाज अपनी जाति के बाहर भी विवाह कर रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं बहुत सामान्य प्रथा हो गई है और साथ ही कई लोगों की इच्छा होती है कि इस विशेष व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से मैं अपनी बच्ची का विवाह करना चाहता हूँ कई लोग चाहते हैं कि आर्मी डिफेंस में हो मेरा दामाद कई लोगों की इच्छा कुछ रहती है कई व्यापारी तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति विवाह संबंधी इच्छा की पूर्ति के लिए मैट्रिमोनियल विज्ञापन में क्या रहेगा सबसे ऊपर लगेगा लिखेगा वांटेड ब्राइड ग्रूम वांटेड ब्राइड वर चाहिए वधु चाहिए या ऊपर लिखा रहेगा मैट्रिमोनियल सबसे ऊपर शीर्षक रहेगा मैट्रिमोनियल ताकि इच्छुक आदमी उस क्लासिफाइड एड को पूरा पढ़ने के पहले ही समझ जाए हेडिंग पढ़कर कि विज्ञापन किस चीज का है तो हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो सबसे ऊपर लिखा रहेगा मैट्रीमोनियल वॉन्टेड ब्राइड ग्रूम या वॉन्टेड ए ग्रूम फिर उसके बाद इसमें लिखा रहेगा यदि मैं लड़के की तलाश में हूँ तो मेरे विज्ञापन में लिखा रहेगा वॉन्टेड ए सिक्स फीट टॉल फेयर कलर इंजीनियर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर इन द एरिया सो एंड सो तो मैं उसमें क्या लिखूंगा उसकी बॉडी में किस तरह का वर मुझे चाहिए उसकी क्या योग्यता हो कितना पढ़ा लिखा हो और क्या मैं कास्ट के बाहर भी जाति के बाहर विवाह करने को तैयार हूँ तो मैं वो जरूर लिखूँगा कास्ट नो बार बार मतलब बंधन यू आर बार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन मैं परीक्षा से तुमको रोक दिया गया है बंधन यू आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इन टू माई हाउस बी ए डबल आर ई डी बार्ड बार से बना सो so, उसमें लिखा रहेगा विज्ञापन में कि कास्ट नो बार कास्ट मने जाति जाति का कोई बंधन नहीं और या यदि जाति का बंधन है तो हमको मेंशन करना होगा हमको बताना होगा दैट प्रिफर्ड कास्ट सो एंड सो और या धर्म रिलीजन नो बार या ओनली क्रिश्चियंस इंटरेस्टेड ओनली इन मुस्लिम्स इंटरेस्टेड ओनली विद इन हिंदू कम्युनिटी तो ऐसा विज्ञापन देकर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि विज्ञापन पढ़ने वाला समझ जाए कि मेरी आवश्यकता क्या है द वन हु इज़ रीडिंग द एड शुड अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग इट व्हाट इज़ माई नीड व्हाट काइंड ऑफ ग्रूम और ब्राइड आई वॉन्ट वाट शुड बी इज क्वालिफ़िकेशन व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन मैं उससे क्या उम्मीद करता हूँ अपने दामाद से तो जो मैं उम्मीद करता हूँ उसको यहाँ ब्रीफ में क्योंकि 50 वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखना है लगभग 25 से 30 वर्ड में मैं ग्रूम या ब्राइड का विवरण लिख दूँगा संभावित ग्रूम या ब्राइड का विवरण कि मुझे किस तरह का ग्रूम चाहिए दैट आई विल राइट डाउन एंड देन आई विल राइट एक, एक हाइट uh, कलर जाति स्थान नौकरी ये पांच जानकारियां मोटा मोटा विज्ञापन में दी जाती हैं और जाति नहीं हो तो लिख दिया जाता है कास्ट नो बार कास्ट नो बैरियर ये बैरियर नहीं है बाधा नहीं है और फिर प्लीज कांटेक्ट कांटेक्ट नंबर रहेगा और एड्रेस रहेगा दैट्स ऑल तो दिस कंप्लीट द मैट्रीमोनियल तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड एड दैटीन यू सी द मैट्रिमोनियल एड्स यू कैन ऑल्सो सी द लॉस्ट एंड फाउंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी द अदर टाइप्स ऑफ एड विच आर दियर एजुकेशनल एड और ये सभी एड में जो कॉमन चीज़ें आप पाए हैं वे कहलाती हैं फीचर्स विशेषताएँ और सभी में क्या दिख रहा है हेडिंग है बोल्ड में किस चीज़ का विज्ञापन है ये बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है बहुत कम शब्दों में पूरी बात लिखी हुई है और उसके बाद थोड़ा सा विवरण है क्या चाहिए हमको विज्ञापन में और अंत में कांटेक्ट ये चीज़ें मूलतः इसमें रहती हैं तो इस प्रकार वी हैव आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट एंड व्हाई डू वी नीड एडवरटाइजमेंट एंड वॉट इज क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड हाउ डू वी मेक क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट सस्ता भी बहुत होता है क्योंकि वो बहुत कम जगहों जगह के लिए बनाया जाता है लेकिन अपनी बात पूरी उसमें रख सकते हैं कोई सजावट नहीं रहती उसमें क्योंकि जहाँ सजावट करेंगे वो जगह घेरेगा और जितनी जगह घेरेगा उतना खर्च बढ़ेगा द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो अबाउट द क्लासीफाइड एड इज द चार्जेज आर साइज बेस्ड दो कॉलम का एड है या एक कॉलम का एड है तो सेंटीमीटर में उसको एड को विज्ञापन को मेजर करते हैं और इसका जो रेट होता है वो सेंटीमीटर पर स्क्वेयर सेंटीमीटर के हिसाब से ऐड आता है तो इसलिए आपको एड को छोटा रखना है एंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर मींस क्वाइट अलॉट बहुत महंगा हो जाता है तो इसलिए शुड बी ब्रीफ तो विद दिस एग्जाम्पल्स Hope you can write more and more advertisement on different areas in different aspects. And you have so many examples. You can see these in newspapers also quite a lot. And normally in the examination, we see that uh, classified ad, as in the newspaper, comes in your examination. Now let's move to the second type of ad that is called displayed. What is the displayed? display ads are, you know, for the public. and they are displayed for promoting commercial products. commercial products. and at the same time, uh, they, are, they are basically charged at the rate of per column. as i said, classified as ad is also charged per column. but then, if the size of the classified ad is fixed, टोटल दो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आपका होता है एक क्लासिफाइड एड का तो उसका फिक्स चार्ज है अदरवाइज इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले मैंने दिखाना डिस्प्ले यानी दिखाना दिखाने का उद्देश्य दोनों में है लेकिन क्लासिफाइड एड में पढ़ना ज़्यादा है डिस्प्ले में प्रदर्शित करना सो इन दिस इन दिस इट इज द चार्जेज आर नॉर्मली कॉलम वाइज एंड रिटर्न इन फ्री स्टाइल नंबर वन फर्स्ट थिंग इज इट इज मैं फॉर डिस्प्ले द सेकंड फीचर इज चार्जेस आर कॉलम वाइज न्यूज़पेपर में कॉलम होता है कॉलम आप समझते हैं ना? एक न्यूज़पेपर में नॉर्मली आठ से दस कॉलम होते हैं तो कितने कॉलम और कितने हाइट का ऐड है इसके आधार पर रेट तय होता है और तीसरी चीज़ इसकी विशेषता है इसके बाद कि फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल मतलब कोई बंधन नहीं आपको जितना सजाना है उसमें सजा लीजिए कंप्यूटर इतना बढ़िया माध्यम है कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए कौन सा कलर चाहिए किस स्टाइल में चाहिए कितना स्पेस छोड़ना है कितना बचाना है कुछ उसमें इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज कर लीजिए आदि आदि और चूंकि ये फ्री स्टाइल में है इसलिए क्लासिफाइड एड जैसा एक पैराग्राफ में नहीं है ना वैन टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ एडवर्टीज़मेंट how are they different from the classified ad how are they different from classified ad classified ad जिसको हमने पहले पढ़ा उससे ये कैसे अलग हैं कितने अलग हैं तो so इसमें सबसे पहले तो आपको एक इसकी कोई आ, सीमा नहीं होती कोई लिमिट नहीं है वर्ड लिमिट इसमें नहीं होता कि 50 शब्दों के अंदर इसको कर दिया जाए जैसे उसमें सीमा थी उसमें लिमिट था सिमिलरली इसका जो स्लोगन है इसमें जो लिखा रहता है वो थोड़ा कैची होता है कैची नो वर्ड लिमिट एंड कंटेंट इज कैची इसकी भाषा ऐसी रहती है छोटे सेंटेंस लेकिन एकदम ध्यान को खींचने वाले ध्यान आकर्षित करने वाले तो एक आध दो वाक्य बड़े कैची रहते हैं जिसे हम पंच मार्ग भी कह सकते हैं पंच स्टेटमेंट पंच लाइन इस तरह के विज्ञापनों में पंच लाइन बहुत कॉमन है कि एक ही खास ना। और उस पंच लाइन के कारण कई बार कई विज्ञापन बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विज्ञापन हैं इनके कंटेंट को देखिए इनको लाइनों को देखिए और इसको पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे कि इसमें पंच लाइन कौन सी है क्या है वो? बहुत सारी पंच लाइन एक बड़ा क्रिएटिव काम होता है एक खास ऐसा वाक्य बना देना जिसको पढ़ने से पढ़ने वाला प्रेरित हो जाए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जिसके लिए विज्ञापन किया गया जिसके लिए वो पंच लाइन लिखी गई हो अगला जो बिंदु इसमें रहता है कि क्लासिफाइड एड जहां बड़े सिंपल रहते हैं केवल इसमें पचास शब्द ठूसे हुए रहते हैं पचास चालीस पचास के आसपास ये वाले जो एड होते हैं विज्ञापन डिस्प्ले वाले वो कैची रहते हैं वो अट्रैक्टिव रहते हैं वे हमारा ध्यान खींचते हैं हमें आकर्षित करते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम उस विज्ञापन को पढ़ें हमारा ध्यान खींचते हैं जिस पन्ने में वो विज्ञापन है या जहाँ पर वो विज्ञापन बोर्ड लगा हुआ है यदि हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो इस ढंग का रहेगा कि वो हमारा ध्यान खींचेगा और हम जरूर पढ़ेंगे ऐसे ही और मैगजीन में भी जब ये रहता है तो कुछ इस ढंग की डिज़ाइन इस ढंग का स्टाइल इस ढंग का उसमें पिक्चराइजेशन या कलर कॉम्बिनेशन रहता है कि ध्यान हमारा वो खींचे और ध्यान खींचने के बाद हमारी नज़र कहाँ जाती है उसकी पंच लाइन पर जाती है उसकी जो ट्रेडमार्क लाइन है जिसे हम कैची स्लोगन कहते हैं उस पर जाती है इसके बाद इसकी अगली विशेषता रहती है कि इसके कुछ शब्द हाईलाइटेड रहते हैं हाईलाइटेड मतलब कुछ शब्दों को उभारा गया है उदाहरण के लिए यदि मैं कोट बेचता हूँ कोट का विज्ञापन कर रहा हूँ और जो वुलन कोट है जमनी के बड़े प्रसिद्ध होते हैं तो मैं लिख दूँ पूरे विज्ञापन में मैंने लिखा है और उसमें ध्यान खींचना चाहता हूँ विज्ञापन पे ध्यान खींचने के लिए मैंने उसे बड़ा कलरफुल अट्रैक्टिव बनाया विज्ञापन पे ध्यान खींचने के बाद मैंने उसमें स्लोगन डाला अब स्लोगन डालने के बाद जो पाठक है देखने वाला जो पढ़ने वाला है वो जानना चाहता है किस चीज़ का विज्ञापन है तो मैं हाईलाइट करूँगा वूल कोट फ्रॉम जर्मनी अवेलेबल वूल कोट फ्रॉम जर्मनी ऑन फिफ्टी सेल देखिए सेल वाला विज्ञापन क्लासिफाइड में भी था जो हमने बताया लेकिन छोटा सा था पाठक के पास समय होता होगा ध्यान जाएगा तो पढ़ेगा लेकिन ये डिस्प्ले एड की खासियत ये है कि ये थोड़े बड़े होते हैं आकार में जितने बड़े करना चाहो जितना रंगीन करना चाहो जितना ध्यान आकर्षित करने का इसमें करना चाहो एज मच यू कैन प्ले विद दिस एड एज पॉसिबल to to attract the reader, to attract the the reader, listener, शैली की की बड़ी अजीब हमको आकर्षित करती है उनको सुनने के लिए इट अट्रैक्ट टू लिशन टू देम क्या बोल रहा? तुम बोलने की शैली ऐसी लिखने की शैली ये दोनों क्या है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के तरीके तो ऐसे एक तरीका हाईलाइट करना हाईलाइट कंप्यूटर में आप देखे होंगे उसमें ज़्यादा प्रकाश डालना नहीं पर इसका हाईलाइट करते हुए इस तरीके से कुछ लिखना उस चीज़ को सजाना उस शब्द को कि लोग का ध्यान उस पर जाए कोट बेचता हूँ ये मैंने विज्ञापन किया लेकिन मैं वूलन कोट बेचता हूँ वो भी जर्मनी का तो मैं वूलन कोट फ्रॉम जर्मनी ऐसा उस उस शब्द को मैं हाईलाइट कर दूँ और भी देखिए ये ऐड दिख रहा है ऐसे ये भी हैं ये सारे ऐड डिस्प्ले के एडवर्टाइजमेंट्स हैं डिस्प्ले के प्रयास हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आते हैं तो इस प्रकार वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज एडवर्टाइजमेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और अलग अलग टाइप के विज्ञापन को हमने यहाँ देखने की कोशिश की है और उसका फॉर्मेट समझने की कोशिश की जो डिस्प्ले हाँ, एडवर्टाइजमेंट होता है बड़े फ्री फॉर ऑल होता है उसका कोई लिमिट नहीं रहता चाहे सजावट की लिमिट चाहे शब्दों की लिमिट चाहे चित्रों की लिमिट कोई सीमा नहीं रहती उसमें भर सकते हैं आप लेकिन बहुत से डिस्प्ले एडवरटाइजमेंट आपने देखे होंगे उसमें कुछ नहीं रहता या तो कांटेक्ट नंबर रहेगा और ऊपर केवल प्रोडक्ट का नाम रहेगा और दुकान का नाम बस आगे पीछे कुछ नहीं ताकि पूरा ध्यान उस दुकान पर जाए उसके प्रोडक्ट पर जाए बाकी कुछ नहीं तो विज्ञापन के बड़े तरीके हैं और इट्स अ वेरी बिग डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज ए वेरी बिग प्रोफेशन बहुत बड़ा एक बिजनेस हो गया है आज तो so एनी anyway,

शनिंग दैट यू हैव लॉस्ट योर व्हीकल वहीकल इज मिसिंग एंड द प्लेस वॉज दिस 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 नाउ प्रिपेयर एंड एडवर्टाइजमेंट तो आपको एक क्लासीफाइड एड बनाना होगा जिसमें लिखा होगा लॉस्ट या मिसिंग उसका शीर्षक होगा बॉडी और शीर्षक शीर्षक में फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कंटेंट A bag, a vehicle containing documents, model so and so, color of the vehicle so and so, lost from this place at this hour, and so on and so forth. And please contact. You will be suitably rewarded. That's all.